नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब स्क्रिप्टिंग के बारे में, कि किसी वेबसाइट के फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। ये हम आज आपके साथ बातचीत करेंगे। तो मेरे पास एक वेब फॉर्म है, दिख रहा है आपको। मुझे इसमें अपना नेम जो है, यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे ईमेल आईडी हो गई, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना, या हेल्प इसमें कुछ लिखना है तो इसमें भी आप लिख सकते हैं। तो कैसे करता है वर्क? तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक मैक्रो मैंने बना रखा है, ये मैक्रो हमने बनाया हुआ है, हम इसको आपके सामने रन करते हैं। यहाँ लिया माइक्रोस और हमने इसको सेलेक्ट किया, देन रन। इंटरनेट पे आप खुला, अपने आप फॉर्म भर के सबमिट कर दिया। अब बोलेंगे सर कुछ दिखा नहीं, तो एक बार ये जो सबमिट करने वाला जो कोड है, मैं इसको यहां से हटा देता। मैं ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट इसमें चला जाएगा, तो मैंने delhi.com कर दिया ताकि मुझे पता नहीं हो पाए। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने इसको हाइड किया हुआ है, मैं रन करता हूँ मैक्रो। देखिए दिल्ली हो गया, ईमेल आईडी फिल हो गई। अब एक बार इसको मैं फुल जूम करता हूँ, फिल हो गया, ईमेल आईडी हो गई, मोबाइल नंबर और रेटिंग को सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे बिजनेस डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। तो कैसे हुआ है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और एक्सेल शीट से हम कैसे इसको लिंक करेंगे, जैसे हमने दिया पूजा सिंह, यहाँ पे कई सारे अगर हो तो क्या होगा, नेम, मोबाइल नंबर, मैं यहाँ पे दो चीज उठाना चाहता हूँ, पूजा एंड 1 2 3 6 7 8 9 10। ईमेल आईडी भी उठाना है, ईमेल पूजा @gmail.com। तो यहां हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लिया कि डिम आई एज ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमने किया सेट क्रिएट ऑब्जेक्ट और इंटरनेट एक्सप्लोरर डॉट एप्लीकेशन। फिर अब क्या है कि जब इंटरनेट ओपन होगा तो क्या ओपन होगा, तो हमने यहाँ पे बोला कि आई दैट विजुअल ट्रू, मतलब कि सामने स्क्रीन पे दिखना चाहिए। मैं यहाँ पे अगर फॉल्स कर दूँ तो बैकिंग में सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे नेविगेट यूआरएल दे दीजिए कि किस यूआरएल से नेविगेट करना है, एंड विथ। फिर अब जब इंटरनेट जब ये जैसे ये पेज खुलेगा, तो खुलने के बाद कुछ देर टाइम लगाता है ना सारे पेजेस डाउनलोड होने में, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट ओपन हो जाता है एक्सेल फाइल की तरह। तो तब तक मेरा माइक्रो बिजी रहे, उसके हमने क्या किया कि डू वाइल आई डॉट बिजी एप्लीकेशन डॉट वेट नाउ प्लस 1 सेकेंड वेट करो। हर बार 1 सेकेंड वेट करेगा जब तक कि इसकी बिजी का स्टेटस हट नहीं जाता है। अब यहाँ पे आई जो यहाँ हमारे दिया हुआ है आई डॉट डॉक्यूमेंट डॉट ऑल आइटम, अब ये जो है जो चीजें हमने ली है नेम 11 जो है, ये आपको वेबसाइट के सोर्स से निकालना होगा। तो इसमें आप व्यू में जाते हैं और यहां सोर्स में आते हैं। सोर्स में आप जैसे कि बहुत सारे कोड सर्च कैसे करेंगे आप, तो यहां पे आप जो है ईमेल, यहाँ पे फॉर्म इनपुट करके आएगा कोड, एचटीएमएल की नॉलेज है तो आप ढूंढ लेंगे, यहाँ पे आ रहा है ईमेल। तो देखिए हर किसी का नाम है यहाँ पे, नेम 11 दिखा, फिर यहाँ पे ईमेल आ गया। तो यहाँ पे हमने वो चीज डाल दी, फिर जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे किसी सेट से उठाना है, जैसे मुझे रेंज A2 से उठाना है, तो
यहां पे मैं ले लेता हूं रेंज ए टू डॉट वैल्यू, और लूप वगैरह भी लगानी है तो लगा सकते हैं। इसमें देता हूं रेंज सी टू डॉट वैल्यू, और यहां पे बी टू है आपका, तो रेंज कर दिया बी टू डॉट वैल्यू, और बाकी और देना है दे सकते हैं। उसमें एक चीज, इसमें एक चीज और है हेल्प का, इसके नीचे आते हैं तो यहाँ आपके बिजनेसेस, ये आपका चेकबॉक्स का है, और मैसेज, ये मैसेज एलिमेंट, और यहाँ पे हम इसको इसी को कॉपी करते हैं मैसेज एलिमेंट के लिए। यहाँ जो मैसेज लेवल है, इस मैसेज लेवल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं वैल्यू, और यहाँ पे दे देता हूँ दिस इज टेस्ट। ताकि उनको पता चल जाए कि टेस्ट किया गया। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, यहीं से रन कर देता हूँ। आपने नेम फिल हो गया, पूजा फिल हो गया, और यहां पे देखिए टेस्ट इट आ गया। अब सबमिट पे क्लिक करवाना है तो इसको इनेक्टिव कीजिए और वो कीजिए, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। मैं एक करके भी दिखा देता हूं आपको, सबमिट रन किया, सबमिट हो गया, फिल हुआ, सबमिट हो गया। अब यहां पे मैं एक बार कर देता हूं आई डॉट ट्वीट, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप इंटरनेट की वेब स्क्रिप्टिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, दिक्कत है किसी तरह की, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, और हर वेबसाइट में ये अलग अलग पैटर्न होता है, तो उसी हिसाब से देख के फिर लगाना होता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप पे पूरी सिक्वेंस में सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। थैंक यू।